नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान नहीं ले जाया जा सकता कोहिनूर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि 108 कैरेट का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वापस पाकिस्तान नहीं लाया जा सकता, क्योंकि 1849 में ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत इसे ब्रिटेन को सौंपा गया था। पाकिस्तान सरकार को कोहिनूर हीरा वापस लाने के निर्देश देने के लिए दायर की गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान प्रांतीय सरकार के विधि अधिकारी ने अदालत में कहा, महाराजा रणजीत सिंह ने 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक करार किया था, जिसके तहत बहुमूल्य हीरा ब्रिटेन को सौंपा गया था, इसलिए ब्रिटिश सरकार से हीरा वापस लेने की मांग नहीं कर सकते। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा, भाजपा के निशाने पर सोनिया। संपर्क सरकार के समय हुए अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में भाजपा ने सोनिया गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को निशाना बनाने की योजना बनाई है, ताकि मुख्य विपक्षी दल को घेरा जा सके, जो उत्तराखंड मामले को लेकर राज्यसभा में कार्यवाही बाधित कर रही है। इटली की अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड के प्रमुख गुएसेपी ओर्सी को दोषी ठहराया और कहा कि कंपनी ने 3,600 करोड़ रुपए का सौदा हासिल करने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को रिश्वत दी। मीडिया की खबरों के मुताबिक इटली की अदालत ने फैसले में बताया कि किस तरह कंपनी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके निकट सहयोगियों के साथ लॉबिंग की। ट्रंप ने किया सुपड़ा साफ, हिलेरी 3 में विजयी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के शीर्ष दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने सभी 5 पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी जीत दर्ज करके पूर्वी तट प्राइमरी चुनावों में सुपड़ा साफ कर दिया, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने की शीर्ष दावेदार हिलेरी क्लिंटन ने मैरीलैंड, डेलावेयर और पेंसिल्वेनिया में जीत दर्ज की। ट्रंप ने मैरीलैंड, कनेक्टिकट, डेलावेयर, पेंसिल्वेनिया और रोड आइलैंड में जीत दर्ज की। इसके बाद अब ट्रंप की पार्टी उम्मीदवार बनने की दावेदारी और अधिक मजबूत हो गई है, लेकिन वह उम्मीदवार बनने के लिए 1,237 डेलीगेट की आवश्यक संख्या को अभी तक छू नहीं पाए हैं। हिलेरी भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के निकट आ गई है, लेकिन 2,383 डेलीगेट की आवश्यकता संख्या से अभी पीछे है।